जैसे ही ये दो तस्वीरें सामने आईं, बिहार की सियासत में नया तूफान आ गया। बीजेपी ने मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया और आरजेडी जेडीयू की सरकार पर नए सिरे से हमला बोल दिया। पहली तस्वीर तेज प्रताप यादव की है, जिसमें वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अपने कार्यालय में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस दौरान लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती के पति शैलेश कुमार भी मीटिंग में मौजूद हैं और अधिकारियों से बात कर रहे हैं। फोटो के बाहर आते ही बीजेपी को एक बार फिर नीतीश तेजस्वी सरकार पर निशाना साधने का हथियार मिल गया। बीजेपी ने पूछ लिया कि मंत्री की मीटिंग में जीजाजी का काम क्या। तो दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की थी, जिसमें उनके साथ संजय यादव बैठे दिखाई दे रहे हैं। संजय यादव तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं, मगर उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है। दूसरी तरफ विभागीय बैठक में सिर्फ मंत्री और विभागीय अधिकारियों को ही बैठने की इजाजत होती है। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि संजय यादव कौन है और स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक बैठक में क्या कर रहे हैं। श्री तेज प्रताप यादव मंत्री के नाते जब पहली बैठक बुलाई तो उस बैठक का संचालन वो खुद नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके बहनोई श्री शैलेश कुमार वो बैठक का संचालन कर रहे थे। फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनके बहनोई इस बैठक में पहुंचे कैसे, अधिकारियों ने उनके बहनोई को बैठक में आने की अनुमति कैसे दी, और फिर वो बैठक में प्रश्न कैसे पूछ रहे थे, बैठक का संचालन कैसे कर रहे थे। तो नीतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या अब सरकारी बैठकों के अंदर दामाद बहनोई या बाकी लोगों के प्रवेश की अनुमति आपने दे दिया है। इसके बाद तो आरजेडी बीजेपी के बीच पिक्चर वॉर शुरू हो गई। आरजेडी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ साथ दूसरे बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें उनके परिवार के सदस्य उनके साथ मौजूद थे। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी के मंत्री और नेताओं ने भी पलटवार किया है और इसे बेवजह का मुद्दा करार दिया है। हालांकि प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि विभागीय बैठक में बहनोई को नहीं जाना चाहिए था। ये मुझे जानकारी नहीं है, अगर वो बैठे थे और मान लीजिए सिस्टम जाने का नहीं होगा, किसी ऑफिशियल मीटिंग होगा तो उसमें उनको नहीं जाना चाहिए। सरकारी मीटिंग में मान ली हम ही लोग कहीं जा रहे, कोई परिवार मिल गया कहीं से तो मीटिंग में न कहा जाएगा, लेकिन परिवारवाद किसको ही देते हैं। परिवार बीजेपी में नहीं है परिवारवाद। आप राजनाथ सिंह के ले लीजिए, क्या परिवारवाद में ना, उनका बेटा यूपी से एमएलए है, क्या परिवारवाद में ना, छोटा छोटा तो बहुत सा है। तो ऐसा नहीं है कि राजद में परिवारवाद, उनके साथ गठबंधन में बहुत सा परिवारवाद वाले हैं। साफ है विपक्ष में बैठी बीजेपी प्रदेश सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बीजेपी आक्रामक तरीके से नीतीश की नई सरकार के खिलाफ मोर्चा बंदी कर रही है। अब देखना यह है कि बिहार में शुरू हुई ये पिक्चर वॉर आखिर कहां जाकर खत्म होती है। पटना से साकेत सिंह के साथ टाइम्स नाउ नवभारत। हजारों फीट ऊपर आसमान से एक वीडियो सामने आया जो आप में रोमांच भर देगा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में दरअसल होने वाले युद्धाभ्यास में भारतीय सेना भी हिस्सा लेने गई, लेकिन उससे पहले ही वीडियो सामने आ गया, देखना चाहिए आपको। आसमान में एक बड़ा हवाई जहाज और उसके पीछे पीछे दो लड़ाकू विमान। ये दोनों लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान हैं, और आगे फ्रांस की एयरफोर्स का टैंकर एयरक्राफ्ट है। इस टैंकर विमान के जरिए Su-30 MKI विमानों में एक साथ हवा में ईंधन भरा जा रहा है। 48 सेकंड का ये वीडियो आपके अंदर रोमांच भर देगा। देखिए कैसे टैंकर एयरक्राफ्ट से निकले हुए फ्यूल पाइप की ओर Su-30 MKI के फ्यूल नोजल को ले जाया जा रहा है, और बड़ी ही सटीकता से भारतीय वायुसेना का पायलट फ्यूल पाइप से फ्यूल नोजल का कनेक्शन करवा देता है। दरअसल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में एयरफोर्स का युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 22 में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हवा में फ्रांस के टैंकर एयरक्राफ्ट ने हवा में ईंधन भरा। ये युद्धाभ्यास 6 सितंबर तक चलेगा।